लोग का कल का दिन जो था वो लास्ट हमारा गाड़ी का जो टायर आप लोगों को दिखाया, टायर जो हवा निकल रहा था पेट्रोल पंप में, हम लोग पेट्रोल डाल के निकले, जैसे वो ब्रिज के ऊपर पहुंचे, ब्रिज के पास पार किए, वैसे ही दौड़ा के हम लोग गाड़ी पकड़ लिए। और मेरा पीछे में यूट्यूब का चैनल दिखे, मेरा चैनल तुरंत सब अपने मोबाइल में देख लिए, उसके बाद मेरा मोबाइल को छीन लिए ताकि मैं वीडियो ना बना पाऊँ, और मेरा मोबाइल को दिए नहीं, इसी कारण मैं कोई वीडियो नहीं बना पाया हूँ। 25,000 ओवरलोड का फाइन हुआ है, जो कि ये चालान जो पटा दिए उसका रिसिप्ट है अपने पास, चालान पे हो गया है, बट यहाँ से गाड़ी अपनी नहीं छूट रही है। तो हे दोस्तों, आप सभी को मेरे तरफ से एक प्यारी सी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू द माय न्यू व्लॉग। तो कल के व्लॉग में जाके देखना मैं गाड़ी में अंगूर लोड किया हूँ, जो कि अंगूर नहीं जाम लोड है अपनी गाड़ी में। और अभी मैं पहुँचा हूँ वही समृद्धि एक्सप्रेस वे का जो मेन टोल है, यहाँ से नागपुर होगा 20-30 किलोमीटर आगे। और मेरी गाड़ी का यहाँ पर टायर पंचर हो गया है, दुबे जी जेक लगा रहे हैं, तो पता नहीं कितने देर से पंचर हुआ है, मैं चला दिया हूँ पंचर गाड़ी, देखो पूरा घस्ट आ गया है, मेरे को समझ में नहीं आया, भाई सोए हुए थे। तो आज सुबह सुबह का हमारा दिन जो कि टायर का पंचर बनाने में जाएगा। अपनी गाड़ी का पंचर तो बन गया है, अब निकलते हैं, जो कि देख लो हाथ काला कर। अभी तो हम नागपुर से ले लिए राइट और अपने भिलाई के लिए, जो कि ये सीधा जाएगा भिलाई रायपुर, तो ये भंडारा रोड आ गया, सीधा जाएगा अभी। तो इधर देखो मौदा के पास फिर पकड़ लिए थे नागपुर के पास, और 500 का काटे अब की बार। तो ये भंडारा का बाईपास अभी बना नहीं है, अभी भंडारा का बाईपास बन रहा है इसके वजह से, जो कि भंडारा सिटी के अंदर बहुत ज़्यादा पुलिस वाले रुकवाते हैं और ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है। और डीजल डलाने के रोके हैं, क्या है कि यहाँ हवा खोल रहे हैं, स्टेप नहीं लगाए, उसका भी डिस्क पूरा क्रैक हो गया है, डीजल डालो ना। तो अभी 20 लीटर और डीजल डलवा लिए हम लोग, देखो एक कांट आया पूरा, डीजल खत्म हो गया था। तो अभी हमारा जो डिस्क का वो क्रैक हो गया, उसको बहुत जरूरी है चेंज करना, आगे पीछे करेंगे, क्या है कि हमारा जो स्टेपनी वाला है वो भी, उसका भी टायर जो वो डिस्क फट गया है, तो कुछ कर नहीं सकते हैं, अभी कहीं जा नहीं सकते हैं, पहले भिलाई जाना जरूरी है, देखते कब तक भिलाई पहुंचेंगे। और इसको आगे पीछे करते हैं, सबसे पहले दुकान देखते हैं कहीं दुकान दिखे। तो हे दोस्तों, मैं अभी आज 2 दिन के बाद ब्लॉग बना रहा हूं, क्या है कि मेरा गाड़ी महाराष्ट्र आरटीओ भंडारा आरटीओ में पकड़ लिए हैं, और ये मेरी गाड़ी जो कि माल अभी तक वैसी का वैसी पड़ा हुआ है, मेरा मोबाइल भी मेरे से ले लिए थे, मेरे मोबाइल में चार्जिंग भी नहीं था, बंद हो गया था दिए, तो अभी मेरे मोबाइल में चार्जिंग किया हूँ। अभी देखो गाइस, अपना आइसर को बुला के मैं क्रॉसिंग कर रहा हूँ इसमें, और अभी तक गाड़ी हम लोग की छुट्टी नहीं है, ये बस डिपो, यहाँ पूरा बस खड़ा होता है, महाराष्ट्र में साकोली एड्रेस है। तो अभी दिखाता हूँ आप लोगों को 25,000 का चालान मेरा, भाई आओ ना दिखाओ तो पर्ची कहाँ है, तुम भाई आए हैं गाड़ी लेके, चालान दिखा रहा हूँ। तो ये चालान मेरे गाड़ी का देखो 25,000 का, ये देखो ये 24,000 और ये 5,525, देखो यहाँ लिखा है 25,000 ओवरलोड का फाइन हुआ है, जो कि ये चालान जो पटा दिए उसका रिसिप्ट है अपने पास, चालान पे हो गया है, बट यहाँ से गाड़ी अपनी नहीं छूट रही है, ऐसे नहीं छूट रही ना अंकल, गाड़ी नहीं छूटेगी ना ऐसे, गाड़ी नहीं छूटेगी ऐसे। तो क्या लगेगा गाड़ी छुड़वाने के लिए, वो आरटीओ का कंफर्मेशन लगेगा ना, आरटीओ परमिशन लगेगा। हाँ। तो हम लोग का वो काम नहीं है, वो बिल कोई काम का नहीं है ना, जो ऑनलाइन वाला है कोई काम का नहीं है ना, वो नहीं वो काम का है, और वो एक्स्ट्रा फाइन है कुछ बोल रहे, वो एक्स्ट्रा फाइन है, पता नहीं किस चीज़ का एक्स्ट्रा फाइन बोल रहे, वो उनसे क्लियर कर लो। तो देख लो अपनी गाड़ी वैसी 2 दिन तक है, माल देखते हैं माल कितना बचा हुआ है, क्या डैमेज है कि नहीं हुआ है, और सोनू भाई भी आया अपना, तो देखते हैं अभी गाड़ी का क्या है क्या नहीं है। और 2 दिन के बाद आज अपनी गाड़ी अपने को मिल रही है, जो कि ओवरलोड के कारण पकड़ाई है, तो 25,000 का चालान हुआ है, तो वही शाम को हम लोग ऑनलाइन चालान पटा दिए थे, लेकिन यहाँ डिपो में खड़ी है तो आरटीओ परमिशन लेना पड़ेगा, जो कि भंडारा यहाँ से 40 किलोमीटर लगभग दूर है, तो वहाँ जाते हैं, वो लोग भी नाटक कर रहे हैं, देखते हैं वो लोग भी और पैसा खाने का बात कर रहे हैं, तो देखते हैं क्या होता है, अब कल भाई आएगा तब कल ही होगा, गाड़ी छोड़ के अपने को मेरा पिकअप को जाना पड़ेगा यहीं पर। फिर डिपो में गाड़ी खड़ी थी अपना, और ये देखो जाम हमारा फाड़ के निकाल लिए यहाँ से, देखो पूरा खाली है,
ये देखो ये खाली है, खाली है, खाली है, अंदर खाली है। अंदर देखो कितना कितना तो खाली है, पूरा जाम निकाल लिए, पूरा गैप गैप दिख रहा है। और देखते हैं खाली करके, इधर देखो पहले और कितना सारा हो गया, पूरा पेटी खाली दिख रहा है। देखो पूरा पेटी खाली दिख रहा है, देखो हाथ उसका दिख रहा है यहाँ से, और देखो पीछे से और निकाल रहा है। और कौन सा पेटी फाड़े हैं भाई, ये देखो पूरा, ये देखो कितना सारा जाम का हो गया, लगभग वही 5-6 किलो तो इतना ही हो गया होगा, एक आधा आधा किलो का तो एक जाम रहता ही है लगभग। देखो पूरा पेटी खाली दिख रहा है। साकोली नाम है एड्रेस, साकोली आएगा भंडारा जिले का महाराष्ट्र, यहाँ से भी निकालने कोशिश किए। देखो देखो कार्टून फाड़ दिए, देखो ये देखो गाइस यहाँ से भी निकालने कोशिश किए, पूरा कार्टून फाड़ दिए हैं। ये देखो तिरपाल निकाल लिए हैं, रहने दो तिरपाल साइड कर दो। माल देखो भाई माल ठीक है ना, एक बार देखो तो कार्टून खोलो ना, एक बार वहाँ सामने ऊपर कार्टून खोलो ना ऊपर का। हाँ अब जो भी किया होगा भैया, अब हम लोग क्या कर सकते हैं, पीला पड़ गया, पीला पड़ गया है, जाम नहीं ठीक है, पीला पड़ गया बाबा पूरा। ये क्या है यार, ये क्या है यार, पीला पड़ गया पूरा, देख चल जाएगा ऊपर, चल जाएगा उतना नहीं देखेंगे। ए भाई अमरुद 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 फटे पड़े यहाँ पे, कहाँ से तुमको दे, खाओ तुम भाई पूरा जाम यार खत्म हो गया भाई। कैसे करें ठीक है, तो अभी हम लोग खुद से अभी माल हम लोग क्रॉसिंग कर रहे हैं। सोनू भाई भी है, ये भी सोनू है घर के पास, और दुबे जी चारों हम लोग करेंगे खुद से मिलकर। और यहाँ के लोग देख लो कैसे हैं, पूरा हम लोग कार्टून फाड़ दिए, आधा कार्टून हो गया ये देखो, ये देखो माल, देखो माल पूरा भर के था और आधा हो गया। तो देखो ये कार्टून कोई फाड़े हैं हम लोग का, ये देखो ऐसी माल ही देख के पता चल जा रहा है, पूरा आधा हो गया, आधा हो गया देखो। तो गाड़ी हम लोग खुद से क्रॉसिंग कर लिए हैं, जो कि हमारा हालत खराब हो गया, देख लो भाई का भाई बहुत हालत खराब, कपड़ा देख रहे हो भाई पूरा कपड़ा गीला हो गया है, और इधर देखो बेचारे को भूखा नंगा हो गया पूरा। अब चलते हैं क्या करेंगे, गाड़ी को यहीं लगाना है भाई, तिरपाल मोड़ लेते साइड लगा लो, गाड़ी को तो लेके जा नहीं सकते हम लोग, आइसर में जाएंगे अभी, क्या भाई आएगा तभी हम लोग गाड़ी को ले जा पाएंगे, और भी और फाइन पटाना है बोल रहे हैं, 25,000 ऑलरेडी पटा चुके हैं। तो आज तो अपनी गाड़ी हम लोग नहीं ले जा पाएंगे, क्या है कि 25,000 का फाइन हो गया, उसको पटा भी दी, इतना बेकार महाराष्ट्र पुलिस है क्या बताएं, अपने मुँह से खोले थे वो लोग, मुँह बोले थे 20,000 दे दो, लेकिन हम लोग 20,000 नहीं दे पाए, तो 25,000 का फाइन काट दिया ऑनलाइन। तो इधर उधर से लेके 25,000 दिए, फिर भी यहाँ पे क्योंकि बस स्टैंड में गाड़ी खड़ा करवाए, तो वो लोग बस स्टैंड वाले लोग क्योंकि वो RTO परमिशन मांग रहे हैं कागज, उसको अलग से दिखाना पड़ेगा ये लोग के लिए। अभी भाई लोग तिरपाल उरपाल मोड़ रहे हैं, फिर हम लोग निकलेंगे आइसर से। यहाँ का महाराष्ट्र RTO हम लोग से 20,000 रुपये का डिमांड किया था, तो हम लोग नहीं दे पाए 20,000 का RTO, बहुत बेकार है यहाँ का महाराष्ट्र RTO, भंडारा डिस्ट्रिक्ट पड़ता है जिला। तो अभी देखते हैं कैसे करना है, 25,000 का ऑनलाइन चलान काटे हम लोग का, हम लोग 25,000 चलान भी कर दिए, और दो दिन से अपनी गाड़ी जो कि डिपो में, बस डिपो है यहीं पर साकोली बस डिपो, वहीं पर अपनी गाड़ी खड़ी है, और यहाँ पर देखो अपनी गाड़ी आइसर मंगाए थे, आइसर ने पूरा माल क्रॉसिंग कर दिए हैं, माल भी पीला पड़ गया हल्का सा, माल भी ले जाने नहीं दे रहे थे, तो अभी माल का कैसे ले दे के ले जाने दिए हैं। अभी हम लोग AC से घर जा रहे हैं, गाड़ी अब देखते कब छोड़ेंगे हमारा गाड़ी को, 25,000 ऑनलाइन चलान होने के बाद भी हम लोग पैसा पटा दिए, उसके बाद भी नहीं छोड़े, और ऊपर से मेरा मोबाइल भी ले लिए थे वो लोग, इसलिए मैं आप लोग को कंटिन्यू ब्लॉग भी बना पाया, मैं हिमाली करता हूं गाइस। तो अभी गाड़ी को ले जा रहे हैं उधर पीछे डिपो में खड़ा करेंगे, जो कि हम लोग गाड़ी तो ले जाने नहीं दे रहे हैं आज भी, तो अपना गाड़ी को यहीं पर छोड़ के जाना पड़ रहा है, और अपना टोपी भी निकाल लिया हूँ, गाड़ी की चाबी ये रहा, गाड़ी की चाबी जमा करना पड़ेगा यहाँ डिपो में, क्योंकि डिपो वाले को जब तक परमिशन नहीं मिलेगा हम लोग गाड़ी छोड़ने का, तब तक हम लोग गाड़ी नहीं छोड़ेगा, देखते हैं कितना दिन लगता है। 25,000 का जो चालान कटा हुआ था 25,000 पटा दिए हैं, 3 दिन बर्बाद हो गया, 4 दिन आज, देखते हैं आज घर जा रहे हैं, फिर अब कल भाई आएगा तो क्या करना है, क्या वही जाने का, बहुत ही बेकार, बहुत घटिया, बहुत ही नीच RTO था, का RTO है महाराष्ट्र का, अब महाराष्ट्र का नहीं भाई भंडारा जिला का, जो भी महाराष्ट्र का भंडारा जिला का, तो सभी लोग देख सकते हैं। तो अभी भाई चलाएंगे, मोबाइल चला रहा सुनो, जाके मुँह धो के आया तो इतना गोरा दिख रहा है, गाड़ी वो उसके पीछे खड़ी है, उसके पीछे तो बुरा तो बहुत लग रहा है, लेकिन क्या करेंगे, जाना पड़ेगा छोड़ के, 2 दिन से यहीं रुके हुए थे, बड़ा भाई बोलता है आ जा घर, भाई चाबी दे दी है यहाँ पर सामने में गेट पे, चाबी दे दी है,
चलते हैं अंकल, मिलते हैं। ठीक है भैया, आप अंदर दोबारा। अभी गाड़ी को रोके हैं स्टिंग पीने के लिए। वो देखो भाई वहाँ लेने गए स्टिंग, और मैं दिखाता हूँ हम लोग कहाँ पे पुलिस वाले पकड़े थे, जो कि आरटीओ वाले। तो ये देखो सामने में टायर दुकान है। हम लोग यहाँ टोल क्रॉस किए थे, जस्ट टोल के आगे आए थे और यहाँ पे अपनी गाड़ी लगाए थे हम लोग यहाँ पर, और इसके जस्ट पीछे में पुलिस वाले आ गए थे। ठीक है, आरटीओ वाले आ गए थे, पुलिस वाले नहीं, आरटीओ वाले आ गए थे। तो यही टायर वाली दुकान है, तो इसी पीछे जस्ट हम लोग खड़ा किए थे, और आरटीओ वाले पीछे से आ गए थे, स्कॉर्पियो में थे आरटीओ वाले लोग, और यहीं पीछे में आ गए थे। और उसके बाद हम लोग सीधा लेके गए कांटा पे लेके गए। ओवरलोड था, ओवरलोड का 25,000 रुपये फाइन ठोके, तो ठीक है, लेकिन हमारा गाड़ी अभी तक छोड़े नहीं है वो लोग। देवरी बॉर्डर है, देखते हैं यहाँ पे कितना पैसा लगेगा भाई। बस 100 रुपया टोल का, 95 रुपए लेते हैं, 5 रुपए वापस नहीं करते भाई। नहीं करते 5 रुपए रख लेते हैं। चलो 95 का पर्ची देंगे और 5 रुपए गिफ्ट छोड़ देते हैं, चॉकलेट खा लो भैया। चलो बड़ा, देखो गाइस देवरी बॉर्डर है, पूरा कांटा होता है, देखो कांटा लगा हुआ है। 5 रुपए रख लेते हैं, 5 रुपए हम लोग का देते नहीं है लोग। UPI कोई पे वो कर सकते हैं, UPI भी कर सकते हो, लेकिन कांटा पे चढ़ गए भाई, गाड़ी नंबर बता रहे हैं। 94.40 रुपए लेते हैं, और बाकी कितना 100 रुपए से 5 रुपए वापस नहीं किए ना। हाँ तो ये गए भाई, देखो पर्ची को लेने के लिए गए, जो कि 100 रुपए का और थप्पा लगवा के पर्ची लेके आएंगे। तो ये देखो सील लग गया अपना, पास हो गए हैं। पास देखिए कहाँ पे पेपर। तो अभी तो हम लोग घर आ गए हैं, गाड़ी को ले घर ही आ गए हैं, और माल को बाहर भेजना है, ये बाहर का माल था। तो ये देखो भाई भी अपना यहीं बैठा है, सोनू और भाई। हाँ, तो क्या है, मोटा सोनू जो है अपना भाई घर चले गया है, और माल को भी पूरे दूसरे गाड़ी में हम लोग खुद से क्रॉसिंग करेंगे। रात का भी 11:30 हो गया है। तो ये भाई पिकअप मंगा लिया, यही पिकअप में पूरा माल जाएगा। भाई गाड़ी पूरा लोड हो गया है।